सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब कोई ठीक होंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर कि देखिए, जो मेरा सिलेक्शन है दो कोर्स में हो चुका है, ठीक है, मतलब दो सरकारी नौकरी में हो चुका है। सीधा सीधा बात कहूँ तो देखिए, सबसे पहले कि मैंने आपने बताया था कि SSGD में मेरा जो है BSF पोस्ट में सिलेक्शन हो चुका है, और दूसरा बात रहा कि BPSC का जो टीचर बहाली हुआ था बिहार में, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो बात रहा कि देखिए, जब दोनों का जो ज्वाइनिंग डेट है एक ही साथ में है, ठीक है, मतलब जिसका BSF का ज्वाइनिंग है और उसके बाद जो टीचर का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसका, दोनों का ज्वाइनिंग एक ही साथ है, ठीक है। अब बात रहता है कि फिर से ज्वाइन कौन करें हम, ठीक है। तो इस बात को लेकर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को, और मैं आपसे सुझाव लेना चाहूँगा कि मैं कौन सा कोर्स ज्वाइन करूँ, ठीक है, मतलब कौन सा नौकरी मैं चॉइस करूँ और किसको ज्वाइन करूँ, ठीक है। पहला तो बात रहा कि SSGD के थ्रू जो मैं BSF से सिलेक्शन हुआ उसका ज्वाइन करूँ, या फिर मैं BPSC के थ्रू जो एग्ज़ाम हुआ था टीचर का उसको मैं ज्वाइन करूँ। इसको लेकर आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि फाइनली मैं किस को लेकर कौन सा कोर्स ज्वाइन करूँ, ठीक है। आप लोग इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मैं किस कोर्स को ज्वाइन करूँ, या SSGD के थ्रू जो SSGD का एग्जाम हुआ था जिसमें मेरा BSF सिलेक्शन हुआ उसको ज्वाइन करूँ, या फिर जो मैं टीचर का BPSC के थ्रू जो टीचर में ज्वाइन हुआ था सिलेक्शन वो उसको लेकर मैं टीचर में ज्वाइन करूँ। तो आप लोग फिलहाल में इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मुझको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए और कौन अच्छा है। मेरे हिसाब से तो दोनों अच्छा है, दोनों में मेहनत किया था और दोनों में फाइनली भगवान की कृपा कर, या फिर जो अपने गुरुजनों का या फिर माता पिता का स्वागत किए, उससे जो है सिलेक्शन मेरा दोनों में हुआ। और फाइनली मैं आप लोग से ही पूछने के लिए मैं इस वीडियो को प्रश्न बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको सुझाव अपने मन से लेकर बताइएगा कि मुझको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। हालांकि समय आज से मतलब दो तीन दिन ही है मेरे पास कि मतलब एक ही कोई ऑप्शन मैं चुन सकता हूँ। आप लोग मालूम है कि एक आदमी एक ही नौकरी एक बार कर सकता है, दो नौकरी नहीं कर सकता है। तो आप लोग से मैं सुझाव लेने के लिए पर्सनली मैं आप लोग ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग 110% आप रिप्लाई करिए। अगर मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, फ्रेंड्स हैं, या फिर जो कुछ भी है, बड़े भाई भी हैं, तो आप लोग मेरे को बताइएगा कि मुझे कौन सा जो नौकरी है चुनना चाहिए, किसमें उनको ज्वाइन करना चाहिए। तो फिलहाल मैं वीडियो में इतना ही बना रहा हूँ, ठीक है। और इस पर भी अगर आप किसी प्रकार का मतलब सुझाव हो तो आप जरूर सुझाव दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।